हेलो, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बीआरएलपीएस का फिर से एक नोटिस आया है जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह के जो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, 25 तक लास्ट था, सिर्फ अब बचा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम कब होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। और जो है बीआरएलपीएस के बारे में, जो एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका अगर आपको प्रश्नों पर कोई आपत्ति है, जैसे एक दो प्रश्न ऐसे भी पूछे गए थे जो क्वेश्चन गलती था, या फिर उसका जो ऑप्शन दिया गया था उसमें कुछ गड़बड़ था, तो अगर उस पर आप आपत्ति करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जीविका द्वारा कुछ दिया गया है। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो मैं खोल लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया हूँ। और यहाँ पर अनाउंसमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 26 अगस्त 2019 को ये नोटिस आया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, लिंक फॉर द ऑब्जेक्शन विंडो रिलेटेड टू क्वेश्चन आस्केड इन सीबीटी वुड बी प्रोवाइड सून। तो अगर आपको कोई आपत्ति है क्वेश्चन पे जो पूछा गया था, तो उसके लिए अलग से एक लिंक दिया जाएगा। हालांकि अभी नहीं, ये लिख रहा है कि बाद में दिया जाएगा, कुछ दिनों के बाद हो सकता है, या कल परसों दो, या उसके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद दे देगा। तो वहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन पे कि हाँ ये गलती था, तो इसको सुधारा जाए। तो उसका जो अगर नंबर मिलने का रहेगा तो नंबर मिल जाएगा, या फिर उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आता है लिंक, मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और जहाँ तक रही बात कि परीक्षा कब होगी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, सीसी की, तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 2-3 दिन आपको न्यूज़ मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अभी तक कोई एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, तो 2-3 दिन में आ जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।